नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। जुलाई में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी। इस महीने अब तक सोना 1,500 और चांदी 4,000 रुपए तक लुढ़की। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा 5 लाख या ज्यादा अमाउंट वाली चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य करेगा। इसमें ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना होगा। जुलाई में चीन को पीछे छोड़कर भारत रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। इस महीने भारत में रूस से औसतन रोजाना 1 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड का आयात हुआ। नीलामी के बाद 15 अगस्त तक 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन और साल के आखिर तक भारत में 5G सर्विस शुरू होने का अनुमान। 4G से करीब 15% महंगी होगी 5G सर्विस। देश के अलग अलग बैंकों में जमा 48,000 करोड़ से ज्यादा रकम पर 10 साल से किसी ने दावा नहीं किया। 8 राज्यों में सबसे ज्यादा है गैर दावे वाली रकम। ITR फाइलिंग की डेडलाइन के नजदीक आने से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया। 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर देना होगा जुर्माना। 19 अगस्त बेंगलुरु मुंबई फ्लाइट के साथ उड़ान भरेगी राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयरलाइन। फिलहाल 5,000 से कम कीमत में मिल रहा है एक तरफ का टिकट। 2032 तक पेट्रोल इंजन से लेस सभी मौजूदा मॉडलों की बिक्री बंद करेगी ऑडी। 2033 से केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर कंपनी फोकस करेगी। BSE पर लिस्टेड कंपनी डायनामिक केबल्स की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर हुई लिस्टिंग। NSE में लिस्ट होने से एक दिन पहले BSE में कंपनी के शेयरों में आई तेजी। दिल के मरीजों की सेहत पर 24 घंटे नजर रखने के लिए लॉन्च की गई अनोखी घड़ी एक्सप्लो लाइफस्टाइल ने इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च की कार्डियक सेंस वॉच। 2022 में कोरोना का कहर कम हुआ तो इस साल महंगाई ने लोगों की जेब पर जोरदार अटैक किया। अब हेल्थ केयर सेक्टर पर बढ़ते खर्च से परेशान लोगों के लिए इलाज कराना मुसीबत बनता जा रहा है। बीते एक साल में दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों तक की कीमतों में करीब 50% तक का इजाफा हो गया है। इस साल महंगाई के असर से आमजन के लिए रोजमर्रा का खर्च बजट से बाहर निकलता जा रहा है। अप्रैल मई में खाने पीने के सामान की महंगाई के बेकाबू होने से जैसे तैसे जून जुलाई में लोगों को राहत मिली थी कि अब इलाज का खर्च लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर घर की जरूरत बन गया था उससे लेकर तमाम दूसरे मेडिकल उपकरणों तक पर महंगाई का जोरदार अटैक हुआ है। इसकी वजहों में शामिल है रुपए में कमजोरी, चीन में लॉकडाउन और सरकार की कुछ नीतियाँ। इनके असर से बीते एक बरस में आयातित मेडिकल डिवाइसेस और कुछ दवाइयों के दाम 12 से 55% तक बढ़ गए हैं। दरअसल इस साल रुपया अब तक करीब 7.5% कमजोर हुआ है। ऐसे में मेडिकल डिवाइसेस का आयात भी इतना ही महंगा हो गया है। रेटिंग एजेंसी कैरेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोविड की बाधाओं के चलते बीते 12 से 18 महीनों में API की लागत 25 से 120% तक बढ़ी है। जिलेटिन, सेल्युलोज, स्टार्च, सुक्रोज और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल जैसे एक्सिपिएंट्स 200% तक महंगे हो गए हैं। इन सब के बीच सरकार ने 5,000 रुपए से ज्यादा किराए वाले गैर ICU हॉस्पिटल रूम पर 5% GST लगा दिया है। यही वजह है कि लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में शामिल 52% लोगों ने कहा है कि उनके मेडिकल खर्च में तेज इजाफा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के मुताबिक 2021-22 में 63,200 करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण आयात किए गए। ये दुनिया के कई देशों में मंदी आने की आशंका लगातार गहराती जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि इस साल के आखिर तक कई देशों पर मंदी का खतरा 50% तक है। इस रिपोर्ट में राहत की बात यह है कि भारत को मंदी के खतरे से दूर बताया गया है। भारतीय आईटी कंपनियों के नतीजों ने अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ा दी है। दरअसल भारतीय आईटी कंपनियों का कारोबार काफी हद तक अमेरिका से जुड़ा रहता है।
ऐसे में इसमें गिरावट से वहां की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस आशंका को खारिज करते हुए साफ किया है कि यूएस में मंदी नहीं आएगी, लेकिन बाइडेन के दावे के उलट जिस तरह से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियां भर्ती घटाने का ऐलान कर चुकी हैं, उससे वहां पर सब कुछ ठीक होने का भरोसा नहीं मिल रहा है। अब ब्लूमबर्ग के एक सर्वे में भी बाइडेन के भरोसे पर प्रहार किया गया है। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए इस सर्वे में दावा किया गया है कि भारत को छोड़कर अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में मंदी की आशंका गहराती जा रही है। पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे कई एशियाई देश भी मंदी की चपेट में आ सकते हैं। सर्वे में अलग अलग देशों में मंदी आने की आशंका को प्रतिशत में साझा किया गया है। इसके मुताबिक चीन समेत एशियाई देशों के मंदी में घिरने की आशंका 20 से लेकर 25 फीसदी है, जबकि अमेरिका में ये आशंका 40 फीसदी और यूरोप में 55% है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए दुनिया के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, उससे मंदी की आशंका बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग के सर्वे के मुताबिक छोटे देशों पर मंदी का खतरा बेहद कम है। सर्वे के मुताबिक न्यूजीलैंड पर मंदी का खतरा 33%, दक्षिण कोरिया और जापान पर 25% और हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और पाकिस्तान पर 20%, मलेशिया पर 13%, वियतनाम और थाईलैंड पर 10%, फिलीपींस पर 0.8% और इंडोनेशिया पर मंदी की आशंका 0.3% है। सर्वे में दावा किया गया है कि श्रीलंका इस संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित होगा। साल के आखिर में या अगले साल तक इस बात की 85% आशंका है कि श्रीलंका मंदी के जाल में फंस चुका होगा। हालांकि इससे पहले कराए गए सर्वे में श्रीलंका के मंदी में फंसने की आशंका महज 33% थी, लेकिन अब जिस तरह से श्रीलंका में आर्थिक संकट की तरह राजनीतिक संकट गहराया है, उसे देखते हुए श्रीलंका का इस संकट से बाहर निकलना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो।